हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोविड 19 के एक वेरिएंट BF.7 के बारे में चर्चा करेंगे और कोविड 19 से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। अब सभी लोग जानते होंगे कि आज के समय एक बार फिर से कोविड की चर्चा बढ़ गई है, जिसकी वजह है चीन और जापान में जो कोविड के मामले आए हैं वो काफ़ी हद तक चिंताजनक है। ये जो BF.7 है, यह ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है, जिसने चीन के साथ साथ जापान में हाहाकार मचा दिया है। इस BF.7 वेरिएंट का प्रकोप इस प्रकार का है कि आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन में इसको लेकर शी जिनपिंग से इस्तीफे की मांग की जा रही है, और साथ ही जापान में इस समय करीब 2 लाख कोरोना केसेस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इस समय इस वेरिएंट के भारत में भी 4 से 5 केसेस देखने को मिले हैं। यह BF.7 वेरिएंट कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। इस वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके लक्षण भी बाकी सभी वेरिएंट की तरह हैं, बुखार, थकान, पेन, खांसी, सर्दी इत्यादि इसके लक्षण हैं। इससे बचने का उपाय यही है कि यदि आप बूस्टर डोज के योग्य हैं तो अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हमें लगता है आपको BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, और अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कोविड 19 2019 के साल के अंत में आया, जिसने 2020 के फरवरी महीने में भारत में दस्तक दी, और तब से लेकर अब तक कोविड के अनेक वेरियंट सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रभाव ओमिक्रॉन वेरिएंट का है। ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था। ओमिक्रॉन के अलावा भी कई सारे वेरिएंट हैं, जिनमें से कुछ वेरिएंट प्रमुख हैं। उनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट। अल्फा वेरिएंट का नाम है B.1.7 और इसका ओरिजिन UK है। बीटा वेरिएंट का नाम है B.1.351, जिसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका है, और गामा वेरिएंट का नाम है P.1, जिसका ओरिजिन ब्राज़ील है, और डेल्टा वेरिएंट का नाम है B.1.617.2, जिसका ओरिजिन इंडिया है। हमें पता है कोविड 19 एक डिसीज़ है, लेकिन इसका नाम SARS-CoV-2 है। इसके ओरिजिन के बारे में अभी तक जानकारी के मुताबिक यह चीन के वुहान लैब से फैला, लेकिन अभी भी इसकी पुष्टिकरण बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।